बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तनिपतं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आधीन शरण मुझे शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से मेरी नैया भमर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। प्रभु राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सिया राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सिया राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम 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 सिया राम राम राम। भोली राघवेंद्र सरकार की जय। भोली शंकर भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। संत भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामचंद्रं कारण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।
कर्पूर गौरव करुणा बतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामि सैतम नमामि मनोज भाटम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मतांबरीष्टम बातांबरम नरयूत मोक्तम श्रीरामदूतम शरणं प्रपादे श्रीरामदूतम शरणं प्रपादे सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 अब कछु नात ना चाहिए मोरे अब कछु नात ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह सीताराम राम राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नान्यम न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नेउ जग कार कलि समुद्र बूढ़त लख्यु तब प्रगट्यु सतुजहार सियाराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जुर जुग पानी सियाराम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय 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 सीताराम।
तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, ये 9 दिवसीय जो राम कथा चल रही है, इसके हम और आप आज 7वें दिवस में प्रवेश करते हैं। राम कथा का आज 7वां दिन शुरू होने के लिए जा रहा है। सो मेरे भगवत प्रेमियों, अकारण करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार की इस पावनमयी कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही साथ में इसको जैसे दवाही को अंदर लेते हैं, इसी प्रकार से इस आनंद कथा को पान भी करते रहेंगे। क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, बुखार आया है, गोली मेडिसिन अगर हाथ पे रखा है और वो हमने खाया नहीं है तो वो हाथ पे रखा आराम नहीं देगा। वो मेडिसिन को दवाई तभी असर करती है जब उसे हम अंदर प्रवेश करा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे राघवेंद्र की पुण्यमयी और आनंदमयी जो कथा है, ये सुनने के बाद अंतःकरण में जरूर इसको प्रवेश कराना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये कथा अंतःकरण में जाती है तो मेरे भगवत प्रेमियों, हमारा आपका ये अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रदूषण से जो भरा पड़ा है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए क्यों ना हम इस लाभ को उठाएं और आइए आज के 7वें सत्र में, यानी 7वें दिवस में हम और आप इस कथा के माध्यम से प्रवेश करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज, कल 6वें दिन की कथा का जो समाप्ति हुई, वहां प्रभु राम ने हम और आपको वो मर्यादा से पूर्ण कर्म करके दिखाया कि जैसे ही पिता के वचनों को सुना, सुनते ही वो अपनी तैयारी करके और वन को जाने के लिए तैयार हो गए। वन में गए हैं महाराज, वहां आश्रम पर पहुंच करके प्रभु राम जी ने पूछा है कि हे ऋषिवर, हमें आप रहने का स्थान बताइए कि हम कहां हैं। तो महाराज, स्थान बताए गए हैं जो कल कथा में आपको समाप्ति के समय सुनाया, वो ही प्रभु राम जी ने स्वीकार किया है। तो आज महाराज विचार करने का बात है कि पिता के वचन को पूरा करने के लिए कोई कोई पुत्र ही तैयार होता है। अब महाराज, प्रभु तो सुनकर के चल दिए, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पुत्र को स्वयं समझ लेना चाहिए। और मेरे भगवत प्रेमियों, कभी भी पिता माता के उचित और अनुचित पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों कि माता और पिता कभी अनुचित करते ही नहीं। इधर एक उदाहरण आता है महाराज कि प्रहलाद के पिता ने अपने स्वयं को ईश्वर माना पर प्रहलाद ने नहीं माना। क्यों कि ये अनुचित था। तो पिता का वचन मेरे भगवत प्रेमियों पर समझने की बात है, ये जो वचन था वो अनुचित था, धर्म सम्मति नहीं था। और इधर देखिए, दशरथ ने कहा राम मेरा वचन झूठा कर दो, मुकर रहे थे, लेकिन क्या करो कि तुम वन को मत जाओ। पर यह कर्म क्या है, धर्म सम्मति था। क्यों कि पहले आवेश में आकर के वचन लिए ना, कह दिया था कि कैसे हम उस पुरानी से उससे पैदाइश हैं, या एक बार वचन दे देते फिर मुकरते नहीं। जो आपने पहले भी सुना
मैं ठीक से गुनगुना करके दोहराता हूं। महाराज दशरथ ने कहा था एक एक रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाए पर बचन न जाए। मेरी भगवत प्रेमियों उसी का पालन करने राम जी चल पड़े थे। अब महाराज वन का आनंद हो रहा है, इधर राम जी भरद्वाज जी से मिले और फिर उसके बाद में वाल्मीकि आश्रम पहुंचे और उन्हीं के बताने के अनुसार उन्होंने चित्रकूट पर रहने का सिस्टम बना लिया, चित्रकूट पर रहने लगे। अब महाराज यहां एक विचार है कि मन को प्रसन्न रखना ही एक भजन है, मन को प्रसन्न रखना ही, खुश रखना ही एक भजन है, जो वेदों के माध्यम से हम और आपको जानकारी मिलती है। ये प्रभु वचन है, वो स्वयं कहते हैं कि मन को अगर प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, तो समझ लो हमारे द्वारा भजन हो चुका है। अब इधर महाराज बाबा लिखते हैं कि लखन जाने की सहित प्रभु राजते रुचिरन के प्रभु बिना शिकवा शिकायत के बड़े आराम से रहते। प्रभु राम को कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शिकवा है और जैसा संतों ने बताया उसी स्थान पर बड़े आराम से रह रहे हैं। अब कल के सत्र में आपने यहां तक की ही कथा श्रवण की, आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और कथा को एक मोड़ दे दिया, क्योंकि यहां सुमंत जी को समझा बुझा करके वापस किया था ना। कैसे कि कहे राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत अवध निज आवा गिरे हु निषाद प्रभु ही पहुंचाई सचिव सहित रथ देखे भाई राम राम सिया लखन पुकारे परे उधरणी पर व्याकुल भारे देख दचिना दिस भरे भरे उहिराई जन बिन पंख बिहग अकुलाई जन बिन पंख बिहग अकुलाई। मेरे भगवत प्रेमियों उनको जब वापिस जाने के लिए कह दिया और वो चल दिए तो महाराज निषाद राज राम जी के साथ में कुछ आगे गए। अब प्रभु ने निषाद जी को समझा बुझा करके विदा करा दिया और कहने लगे कि हे निषाद तुम अपना राजपाट संभालो। अब महाराज इधर क्या हो रहा है, सुमंत जो है तीन दिन तक जैसे ही प्रभु राम ने वापस किया तो सुमंत जी तीन दिन तक श्रृंगेरपुर में ही रहे।
बातें सुनाई गई। और वहां वो क्या किया उन्होंने कि एक वृक्ष से घोड़े बांध दिए वही है। और महाराज सुमंत मन ही मन तड़प रहे, वो क्या सोचते हैं कि राम जी को पिता की याद आ जाए, प्रभु ऐसा कुछ हो जाए और वो वापिस आए तो मैं इसी रथ में बिठा करके उन्हें अयोध्या ले जाऊं। लेकिन सोचते हैं ऐसा नहीं होगा और ऐसा भया भी नहीं। अब महाराज इधर में निषाद राज के जो कर्मचारी, उन्होंने देखा तो घोड़ों को भूखे थे, चारा पानी दिया, पर घोड़े क्या है कि ना तो जल को ही छूते हैं ना चारा ही खाते हैं, वो केवल दक्षिण दिशा की ओर देख करके रो रहे हैं। और विचार करते हैं हमारे प्रभु इधर ही गए हैं। आप मेरे भगवत प्रेमियों विचार करने की बात है कि एक पशु जन्म लेकर के प्रभु से इतना प्रेम करके और अपने हृदय को दगिन कर सकता है, दुखी कर सकता है, वो हम और आप तो मानव देहधारी हैं। हमारा हृदय क्यों नहीं पिघलता प्रभु की तरफ और अनंत कानों की तरफ क्यों पिघल जाता है, ये हम और आपको बड़ी समझने की जरूरत है। हम बुरे कृत्य के लिए तो तत्काल बिना राय किसी के लिए ही मुड़ जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा का पथ है, परमात्मा का मार्ग है, उसे मिलने का जो तरीका है, उधर हम लोग सोच भी नहीं पाते। और यहां आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो घोड़े ही इतने व्याकुल हैं जितने सुमंत नहीं, निषाद नहीं, वो केवल और केवल दक्षिण दिशा की ओर देख करके ये दर्शा रहे हैं कि हमारे राम इधर की ओर गए हैं। नैनों में अशुभ धारा है, न वो जल पीते न चारा खाते, केवल और केवल दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिन हिन आकर के रह जाते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये मानव देह पाकर के हम और आपको इतनी हृदय में कोमलता तो आनी चाहिए कि हम संसार को छोड़ करके केवल और केवल प्रभु के श्री चरणों में तो प्रेम बनाए, लेकिन नहीं हो पाता मेरे भगवत प्रेमियों, नहीं हो पाता। अब मानव के मन का पता नहीं पड़ता वो क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है। तो महाराज मेरा एक गीत है, जाने क्यों लोग बुरे काम किया करते हैं, जाने क्यों लोग बुरे काम किया करते हैं, राम के नाम को बदनाम किया करते हैं, जाने क्यों लोग बुरे काम किया करते हैं, लोग क्या जाने रहे अनजाने बने दीवाने, दर्द को पी कर दुहाई दिया करते हैं, जाने क्यों लोग बुरे काम किया करते हैं, राम के नाम को बदनाम किया करते हैं। गीता में भगवान के उपदेश आते हैं, कर कर्म तू अच्छा
प्रभु ऐसा बताते हैं कर्म क्यों खोता है बड़ा बड़ा रोता है देता है हर एक जन को बुनियाद लेता है लोग क्या जाने रहे अनजाने बने दीवाने आए भर भर के दुहाई दिया करते हैं जाने क्यों लोग बुरे काम किया करते हैं राम के नाम को बदनाम किया करते हैं। मेरी भगवत प्रेमियों इस मानव स्वरूपधारी देवता का पता नहीं पड़ता मेरे बंधु तब की इतना सुंदर है ये कुछ भी कर सकता है तो इस दृष्टि बहुमूल्य रत्न है बुद्धिमान है ज्ञानवान है सबसे परिपूर्ण है लेकिन मेरी भगवत प्रेमियों ये पता नहीं कहां कहां अपने मन को लेकर के मूड ले लेता है और वही काम करता है जो उसका मनुआ कहता है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा नहीं करना चाहिए विचार करना चाहिए। ऐसी कथाओं के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है क्या आप सुन रहे हैं कि वो मात्र पशु हैं जिनके बुद्धि भी नहीं है लेकिन वो फिर भी प्रभु राम के दर्शन के लिए उतावले हैं और व्याकुल भी हैं दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं इधर हमारे प्रभु गए। आज महाराज सुमन और घोड़ों की ये दशा है कि जैसे पक्षी के पंख जब कट जाते हैं ना तो वो पंछी बड़ा तड़पता है पंख कट जाने पर। मेरे भगवत प्रेमियों जो दशा पक्षी की होती है तड़पता है उसी प्रकार से सुमंत और घोड़ों का हृदय तड़प रहा है लेकिन हुआ का प्रभु नहीं आए और निषाद को देखकर के इधर सुमंत भी फूट फूट करके रोने लगे सोचते हैं अपने भाग्य पर मैं कैसा आहारा राम लक्ष्मण और जानकी जी को मैंने अयोध्या से अलग कर दिया मैं कैसा अभागा हूं। और इधर महाराज निषाद ने सुमंत को समझाया कि हे सुमंत जी आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी का कर्तव्य होता है धीरज धारण करना आप धीरज धारण करो। निषाद राज ने पेड़ से बंधे हुए घोड़ों को खोला और महाराज रथ में जोड़ लिया और सुमंत से कहा कि हे सुमंत अब आप विलंब ना करो ये रथ ले जाओ। परंतु महाराज घोड़े रथ को नहीं ले जा रहे वो बार बार दक्षिण दिशा की ओर देख करके रो रहे हैं। आज मेरे भगवत प्रेमी निषाद राज ने अपने सेवकों से कहा कि आप एक काम करिए सुमंत को अयोध्या तक पहुंचाओ क्यों कि इनकी दशा इस समय पे बेसुध है तन की सुदबुद खोए हुए हैं इसलिए मेरा आदेश है कि आप इनको अयोध्या पहुंचा करके फिर आओ। और इधर महाराज सुमंत बार बार सोचते कि तू बड़ा अभागा है तुझे मर जाना चाहिए केस बिखरे हैं बेहाल है दशा ठीक नहीं है। कैसी दशा है जैसे किसी का खजाना लुट जाने पर जो दशा होती है वही दशा आज सुमंत की है मेरे भगवत प्रेमी। और सुमंत सोचते हैं कि दिन भर
गाय चरकर जब वापिस आती है तो अपने बछड़े से मिलती, फिर उस पर दुलार करती है। ठीक इसी प्रकार मां कौशल्या जब रथ को देखेगी खाली, पूछेगी राम कहां, तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा कौशल्या माता को। ऐसे विचार सुमंत के हृदय में बारंबार भटक रहे और यही सोचते सोचते सुमंत तमसा नदी के किनारे तक आए और फिर वहां विचार किया कि मैं दिन में अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मैं अयोध्या में जाऊं तो किस प्रकार जाऊं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, यह अपना दाग लगा हुआ मुख कैसे दिखाऊंगा। फिर विचार किया नहीं मैं रात में जाऊंगा, कोई मेरा मुख न देखे और दिन भर वही रहे। सुमंत तो दिन भर मेरे भगवत प्रेमियों वही रहे नहीं गए, और जैसे ही रात्रि हुई तो महाराज सुमंत रात्रि में गए और कौशल्या के सीधे भवन में गए। पर महाराज वहां क्या था, सारी अयोध्या वासियों को पता पड़ गया और देखने लगे एक रथ खाली है, घोड़े पीछे मुड़कर के रो रहे हैं, वो बतलाना चाहते हैं कि राम नहीं आए। इधर महाराज सुमंत ने महाराज को देखा, महाराज की दशा क्या है, दशरथ जी की धरा पर लेटे हैं, जैसे बिना प्राण के जीव पड़ा हो। ये दशा महाराज दशरथ की है। सुमंत ने जाकर के प्रणाम किया और महाराज सुमंत की आवाज सुनते ही महाराज एकदम बैठे, जैसे प्राण शरीर में वापस आ गए, और एकदम बोले सुमंत, हाँ महाराज, कहां है राम, मेरी सीता कहां है और लक्ष्मण कहां है, सुमंत बताओ ना। और बड़े प्यार से कहते हैं मेरे भगवत प्रेमी कि राम कुशल कहो सखा स्नेही कहां रघुनाथ लखन बैरेही। हे सुमंत बताओ ना कहां है राम लक्ष्मण जानकी। सुमंत नहीं बोल पा रहे हैं महाराज। यह माता कौशल्या ने महाराज दशरथ को समझाया और कहा कि हे महाराज आप धीरज धारण करो। कैसे करूं कौशल्या, धीरज टिकता ही नहीं। माता कौशल्या कहती है आप ज्ञानी हैं। सुमंत ने बताया दो दिन तमसा नदी के पास में रुक करके प्रभु आगे चले गए और मुझसे कहा कि पिताश्री से कहना कि वो हमारी चिंता न कर, हम 14 वर्ष व्यतीत होने पर और जल्दी ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर कि महाराज शीतल हो गए, ठंडे पड़े। कौशल्या मां ने समझाया महाराज आप धीरज धारण करो। तुम्हारा दशरथ कहते हैं प्रिय मैं कैसे धीरज धारण करूं, देखो आज मुझे वो जवानी का सीन दिख रहा है प्रिय, अंधी अंधा का रोना नजर आ रहा है, वो बारंबार कह रहे हैं कि राजन जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम तड़प रहे हैं तू भी इसी प्रकार तड़प तड़प के मरेगा, मैं कैसे धीरज धारण करूं, ये वो बार बार चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। परंतु वो बार बार सुन रहे हैं कानों से,
और वो कहते हैं कि मेरा तो मर गया, परंतु राजन तेरे चार पुत्रों में से अंत समय पर तेरी मुखाग्नि देने के लिए तेरे पास कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा तेरे पास। ये महाराज दशरथ उस सीन को देखकर के कौशल्या को बता रहे हैं, और देख कौशल्या, देख मेरी नजरों से वो ये मेरे सामने खड़े हैं, कह रहे हैं महाराज 6 दिन बीते। महाराज दशरथ प्राणों को शरीर में डांटे हुए उस वियोग में उसी धरणी पर 6 दिन व्यतीत हो गए महाराज, और बारंबार राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण ऐसा कहते कहते, और वो अपने शरीर को साधे। लेकिन आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही सुमंत केसरी मुख से सुना कि राम जी ने मुझे लौटा दिया और आपको धीरज धारण करने के लिए कहा है, तो आज महाराज दशरथ का धीरज तो मेरे भगवत प्रेमियों बिल्कुल टूट गया। और भया क्या कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, और राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरह, राम गए सुरधाम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मेरी भगवत प्रेमियों, आज महाराज को दोनों फल प्राप्ति, जीते जी राम दर्शन और मरने पर मुख से राम राम, पर ऐसा होना मेरे भगवत प्रेमियों बड़ा कठिन है। कहते हैं कि बड़े बड़े संत मुनि अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, कैसे? तो बाबा कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अत राम मुख आवत नाही, अत राम मुख आवत नाही। अंतःगता सुमता, यह वर्णन हो रहा है कि बहुत यत्न करने पे अंत समय में मुख से राम कहना बड़े भाग्य की बात है मेरे भगवत प्रेमी। इसलिए हम कहते हैं कि आज ही से, अब ही से बच्चों के नाम जो है ना हमारे परिवार में, वो प्रभु के नाम पर रख लेना चाहिए, जिससे मुख से नाम निकलता रहे। चाहे अपने ही बच्चे का नाम क्यों ना हो, लेकिन नाम तो प्रभु का है। उदाहरण में मेरे भगवत प्रेमियों, घी खाने के शौकीन होते हैं, चाहे तो किक्कर में चुपड़ के खाइए, चाहे घी में डाल के खाइए, और चाहे तो बूरे में मिलाकर के खाइए, यदा कदा कैसे भी घी को खाइए, लेकिन अंतर भीतर जाने के बाद में घी अपना असर तो दिखाता है मेरे भगवत प्रेमी। प्रभु ये नहीं देखते कि पुत्र का नाम ले रहा है या मिया। तो यहां एक उदाहरण है मेरे भगवत प्रेमियों, आपने सुना होगा अजामिल की कथा को। उसने घबराकर जब अंत समय आया तो पुत्र को बुलाना शुरू किया, और पुत्र नहीं आ पाया, लेकिन आवाज सुनकर के उससे पहले प्रभु आ गए। अब प्रभु आ गए तो महाराज हुआ क्या, अजामिल का उद्धार हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, बच्चों के नाम WXYZ
ऐसा कोई नाम न रखे। यहां एक वातावरण का प्रश्न आता है महाराज, हमें याद आया एक माई ने कहा महाराज बच्चों के नाम भगवान के नाम पर गलत है, हमारे दिमाग में सुनसुनाहट दौड़ा। फिर हमने बड़े प्यार से पूछा क्यों ऐसा आप क्यों कह रही हैं माता, हम आश्रम में पढ़ रहे। तो वो बताने लगी जब हमने पूछा तो वो कहती है मैया के देखो अगर हम किसी गलती पर बच्चे को गाली देंगे ना महाराज और देनी पड़ी तो समझो भगवान को भी तो गाली लग गई ना। ये सुनकर के हमको बड़ा धीरज आया, तसल्ली आई। हमने कहा धन्यवाद, कितना दिमाग लड़ाया है मैया। अरे मैया ने ऐसे विचार नहीं रखने का, तुम ऐसा बुरा विचार मन में क्यों रखते हो? क्यों कि प्रभु सब कुछ सहन करने की क्षमता और शक्ति रखते हैं, उनको तो केवल और केवल भाव से कनेक्शन है, भाव से मतलब है। तो मेरे भगवत प्रेमियों यही हम कहना चाहते हैं कि भगवान का दिया कोई भी फल हमें प्राप्त होता है, यानी कोई भी बच्चा हमें बिना प्रभु की इच्छा के तो नहीं मिलता, लेकिन जो प्रभु की इच्छा से मिला है तो उसका नाम तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे दिन में 2-4, 10-20 बार लेते रहें तो उसी से हमारा और आपका उद्धार हो जाए। तो आइए महाराज कथा पर वापस चलते हैं। आज वशिष्ठ जी ने सबको भरत की ननसाल में भेजा और कहा कि महाराज के बारे में कुछ मत बताना, बस कहना कि गुरु जी ने तुरंत बुलाया है। अब तुम्हारा सेवकों ने जाकर के कहा, सुनते ही भरत और शत्रुघ्न आए और आकर के उन्हें क्या किया, कैकेयी माँ के पास गए सीधे। अब महाराज जैसे ही अयोध्या की गलियों में होकर के वो आ रहे थे तो एक सीन देखा कि अयोध्या का कोई भी जीव उनकी तरफ नहीं देख रहा है, तो उनको बड़ी शंका हो, इसलिए वो हताश होकर के कैकेयी माँ के सीधे घर में गए, पवन भवन में गए। अब महाराज माँ ने देखा तो बड़ी खुश हुई, आरती उतारी, बड़ा प्यार किया और पूरा ननिहाल में राजी खुशी ली, सब ठीक तो है ना। तो भरत बोलते हैं वहां तो सब ठीक है पर यहां की बताओ माता, यहां सब ठीक है ना? क्यों कि मैं जब आया तो मुझे देखकर के अयोध्या के लोगों ने मुख मोड़ लिया। क्या कारण है मां ये बताओ ना, ये कारण मुझे बड़ा भयंकर लग रहा है, भयावना दिख रहा है। तो कैकेयी कहने लगी कि लाला वैसे तो मैंने सब ठीक कर लिया, कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं, और ये मैंने जो किया है काम मंथरा की सहायता से, दासी है जो मेरी उसकी सहायता से किया, पर लाला क्या कहूं बीच में ब्रह्मा ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछते हैं कैसे, कैकेयी ने कठोर हृदय करके कहा कि वैसे तो सब ठीक हो गया है। भरत जी कहते पर हुआ क्या, क्या हुआ हुआ कि लाला हुआ क्या, तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे, तुम्हारे पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो महाराज भरत जी ने इतना सुनते ही भरत जी रोने लगे, हाता कहते कहते धरनी पर गिर पड़े। और मेरे भगवत प्रेमियों फिर कैकेयी ने सारी कथा बताई, जो भी योजना बना करके की वो सब बताई। तो देखिए मेरे भगवत प्रेमियों जीवन में बड़ा दुख आता है, जीवन में जब बड़ा दुख आता है तो छोटा दुख अपने आप छोड़ करके भाग जाता है।
क्यों? कि बड़े दुख के आगे छोटा दुख चलता नहीं मेरे भगवत प्रेमी। इधर क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं कि भरत हु बिसर आपित मरे सुनत राम बन धीरज हरे। भरत जी कहते हैं मां मैंने सुन लिया तेरे वचनों को लेकिन तेरा दोष नहीं है मां, दोष सब मेरा है। न मेरा जन्म होता और न तू मेरे लिए राज्य मांगती, न मेरे प्रभु को बन जाना पड़ता। इस सारी कलंक का स्वामी मालिक मैं हूं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भरत जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं, इन्हीं अच्छू को दबाए हमारे लाभ के लिए। क्योंकि ध्यान देने की बात है, जो पहले अपने में कमी ढूंढते हैं ना, वो ही समझदार है, वो ही प्रभु का प्यारा है। ये हम और आपको मान लेना है। अब इतना कहकर के महाराज भरत मौन हुए और मौन होकर के रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। और माता के कैसे कहते हैं मां तेरे हृदय में, तेरे दिल में शांति तो है ना? प्रभु राम को बन जाने के बाद तू खुश है ना? एक एक कहती अरे लाला तू ऐसी अटपटी बात क्यों करता है, ये सब जो किया है मैंने तेरे लिए तो किया। बोले हाँ वो जानता हूं माता, जानता हूं। और बड़े दुखी हृदय से मां से भरत जी कहते हैं अरे मैया तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज दिए री मन में अरे मैया तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज दिए बन में तदपि भरत तेरा ही जायो जदपि भरत। हे मां संसार जानता है और तू भी जानती है, मैं भी जानता हूं कि मैं तेरा ही पुत्र हूं, लेकिन तूने क्या किया? यद्यपि भरत तेरा ही जायो तेरी करनी देख ल जायो यद्यपि भरत अरे माँ तेरा ही जायो तेरी करनी देख ल जायो अपने कर्म से तू आप ही गिर गई, अपने कर्म से तू आप ही गिर गई भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए री बन में अतिली तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज दे री बन में कौशल्या की छिल गई बानी कौशल्या की छिल गई बानी रोए रोए कहे उर्मिला रानी रोए रोए कहे उर्मिला रानी छोड़ अबध
जाए अकेली, छोड़ अबद सब जाए अकेली, तू रहियो महलन में राम सिया भेज दिए रीबन में। अरे मैया तेने काटानी मन में, राम सिया भेज दे रीबन में। और भरत जी कहते हैं, मां जिस समय तूने ये वरदान मांगा ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैसा कि जरी नहीं जीव, ये लिखा है कि जरी नहीं जीव पर न मुख कीरा, बन भेजत तेरे भई नहीं पीरा। तेरी जरी नहीं जीव और परे न मुख कीरा, बन भेजत तेरे भई नहीं पीरा। राम लखन और माता जानकी, राम लखन और माता जानकी भीगत होंगे मेघन में, राम सिया भेज दिए मन में। अरे मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दए बन में। ए मां तूने कभी विचार भी नहीं किया, थोड़ा विचार तो कर लेती माता कि जहां वो गए हैं वो क्या है? जंगल है वहां बनी न मड़ैया, जंगल है वहां अरे बनी न मड़ैया, सिया सकुमार और संग दो भैया, काऊ ब्रक्ष तर बीजत होंगे, काऊ ब्रक्ष तर बीगत होंगे, वो तीनों मेहन में राम सिया भेज दैरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए बन में, राम सिया भेज दिए बन में। मेरे भगवत प्रेमियों, इस दृश्य को देखकर के शत्रुघ्न बड़े व्याकुल हैं, बड़े दुखी हैं, लेकिन भैया क्या उसी समय पर जो कैकेयी की दासी थी मंत्रा, वो सज धज कर आई। अब महाराज देखकर के पहली बार शत्रुघ्न को क्रोध आया, अब तो महाराज पकड़ा मंत्रा को और उसके कुबड़ पर एक लात मार घसीटा। भरत ने काफी मना किया, इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है शत्रुघ्न, सारा दोष तो ये हमारी मां का है, एक कैकेयी का है, इसे मत मारो। आज महाराज भरत की मां कौशल्या के भवन में दोनों गए, देखकर मां को लगा मेरा राम आ गया, लेकिन दोबारा टकटकी लगा करके देखा है ये तो भरत है, और एकदम मूछ आ गई मेरे भगवत। इधर भरत जी
पादों में लिपट गए और वो चाहते हैं कि मां कौशल्या इस खेल में मेरी सहमति न समझे। लिपट गए। कौशल्या ने भरत को गोद में बिठाया। मेरे भगवत प्रेमी भरत आज मां की मान को देख रहे और कहने लगे, आज मेरे कारण मेरी मां के मांग का जो सिंदूर है वो मिट गया। और भरत कहते हैं, मां मैं सत्य तुमसे कहता हूं कि राम को बन जाने में अगर मेरी सहमति हो तो मुझे 28 पाप लग जाए। मां मुझे 28 पाप लग जाए और कोई मेरी सहायता ना करे। आज भरत जी रोने लगे। मां ने समझाया, भरत मैं जानती हूं बेटा, तुम तो सूर्य के समान निर्मल हो जो कि अंधकार को मिटा देता है। मुझे पता है मेरा भरत ऐसा नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज गुरु वशिष्ठ जी ने सरयू नदी के पास महाराज दशरथ का विधिपद संस्कार कराया। किसके द्वारा? भरत जी के द्वारा। भरत ने विधि पूर्वक पिता का अंतिम संस्कार किया। यह एक उदाहरण है मेरे भगवत प्रेमियों। बुरा मत मानना, संसार में घर का कोई मर जाता है तो बड़ी श्रद्धा बढ़ जाती है। 5 गांव 10 गांव भोजन के लिए और एक यज्ञ का बहाना देकर के करते हैं। विचार करने की बातें हैं, ये सब बेकार है। अरे भाई, जीते जी देखभाल नहीं कर पाए तो मरने के बाद ये भंडारा काहे मतलब का? और जीव स्वयं खाने के लिए थोड़ी ना आता, देखने के लिए थोड़ी ना आता है। एक केवल लोग करते ही तो अपने नाम बढ़ाई के लिए करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा करना कोई लाभप्रद नहीं है, बेकार है। यह चलन जो चला है यह केवल और केवल एक दिखावा है। आज महाराज पूरा राज परिवार बैठा है। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया। भरत ने 6 चीज विधाता के हाथ में है बताई। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु भी कहते हैं वो क्या 6 चीज है प्रभु के हाथ में? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। वो कहते हैं भरत, इसमें आपका हमारा ज्ञान नहीं चल पाएगा, इसलिए आप शोक मत करो। और हां देखो, शोक जहां जहां होना चाहिए मैं बताता हूं। ये ऋषिवर बता रहे हैं भरत, शोक उस राजा को उस क्षत्रिय के लिए करना चाहिए जो अपनी प्रजा के लिए कुछ ना कर सके। इधर उस सन्यासी के लिए शोक करना बड़ा जरूरी है जो संसार को उपदेश ना दे सके। उस बनिया के लिए शोक करना अनिवार्य है जो दान पुण्य ना कर सके। और हे भरत, उस स्त्री के लिए भी शोक करना है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन ना कर सके और वो स्वशिष्य भी शोक के काबिल है जो गुरु आज्ञा गुरु सेवा ना कर सके। उस मनुष्य का शोक करना चाहिए जो मनुष्य जन्म पाकर के और मेरे भगवत प्रेमियों भगवान का भजन ना कर सके। वशिष्ठ जी कहते हैं ये शोक करने योग्य हैं भरत जी, इसलिए आप अपने पिता का शोक मत करो। वो शोक करने योग्य थे ही नहीं, इसलिए गुरु जी कहते हैं बेटा, धर्म कहता है कि दूसरे वचन को मानकर, जो तेरी माता ने दूसरा वचन लिया है ना,
उसको मानकर आप राजा बन जाओ, क्योंकि राजगद्दी को बेटा कभी खाली नहीं छोड़ते, ऐसा विधिवत लेख है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भरत जी कहते हैं, गुरु जी आपको ऐसा लगता है कि भैया आपकी बात न मानो, और आप कहते तो क्या भैया आपकी बात को नहीं मानते? फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? गुरुदेव राम जी को रोका क्यों नहीं आपने? वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत आप कहे तो ठीक रहे, ठीक कहते हैं, मैं रोकता तो राम रुक जाता, पर इसमें एक कारण है। गुरुदेव क्या कारण है? कि राम जी का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने रोकना उचित नहीं समझा। गुरुजी मेरी मां ने पहले वरदान में राज्य मांगा, आप उसी समय मुझे राजा बनाते तो बड़ा अच्छा लगता। क्यों? कि मैं राजा बनकर के आज्ञा देता, क्योंकि राजा आज्ञा देता है गुरुदेव, और प्रजा को माननी पड़ती है, ये नियम है। जैसे ही मेरी माता ने गुरुदेव पहले वचन में मेरे लिए राज्य मांगा तो राजा मुझे उसी समय बनाते, तो मैं राजा बन करके आदेश देता कि राम भैया बन नहीं जाओगे आप, ये हमारा आदेश है। गुरुदेव कहते हैं बात तो ठीक है। भरत जी बोले, देखो गुरुदेव आज मैं राजा बन जाऊं, क्या भैया राम लक्ष्मण जानकी इस सब बात को सुनकर के खुश हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं गुरुदेव, एकदम उल्टा कार्य है। तो वशिष्ठ जी बड़े ही सुंदर विचार से भरत जी को समझाते हैं, हे भरत सोपे हुराज राम के आए, सोपे हुराज राम के आए। भरत एक काम कर लेना, गद्दी को खाली मत छोड़ो, छोड़ो जब तक राम आए तब तक तो बने रहो, और जैसे ही आए तो गद्दी वापिस कर देना। इसमें एक दूसरा चौपाई का पैराग्राफ आता है मेरे भगवत प्रेमियों, यहां तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सौंपे हु राज राम के आए, राम जी जब आ जाए ना तो राज्य को सौंप देना, लेकिन भरत जी कहते हैं कि सौंपे हु राज राम के जाए। नहीं गुरुदेव, इस संसार का चलन बहुत बुरा है मेरे गुरुदेव, लेते समय अलग मन होता है लेकिन देते समय अलग मन हो जाता है, भाषाएं बदल जाती है, नजर बदल जाती है। या एक छोटी सी कथा हमारे मन में गुनगुना रही है मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ध्यान देकर के सुनेंगे। एक आदमी नहा रहा था अपने घर में, एक आदमी नहा रहा था तो उसी समय पे क्या है मेरे भगवत प्रेमियों, कोई मिलने वाला आया, उसने कुंडी खटखटाई, उसके लड़के ने खोली, पूछा बेटा तुम्हारे पिता कहां है? उसने बताया नहा रहे। लड़का बोला पापा कोई आया है। पिता बोला रोको मत जाने दो। अब वो ठीक से अर्थ नहीं समझ पाया, लड़के ने उल्टा समझा कि रोको मत जाने दो, और उसने इसी प्रकार से उस आने वाले को कह दिया और उसको वापस भेज दिया। तो भरत जी कहते हैं गुरुदेव बात तो आपकी सत्य ही है, लेकिन जो मन लेने में होता है वो मन प्राणी का फिर देने में नहीं होता, महाराज नजरें बदल जाती हैं, मन बदल जाता है। इधर
मेरे भगवत प्रेमियों माता कौशल्या सुमन सब ने कहा तुम राजा बन जाओ, लेकिन भरत कहते हैं मेरा हित राजा बनने में देख रहे हैं ना, पर मेरा हित राम जी की सेवा। गुरु जी एक विचार करके मुझे बताइए, भरत जी कहते हैं कि शरीर में सारे रोग हो, शरीर में सारे रोग हो उस समय पे 56 भोग खाने को दो तो क्या वो प्राणी खा सकता है? बेकार है सब। जप करें प्रभु नाम में प्रेम नहीं तो क्या बताइए वो जप लगेगा? तो सब बेकार है। इधर तीसरा उदाहरण है, भरत जी कहते हैं सुंदर शरीर हो गुरुदेव, और उस शरीर में अगर प्राण ना हो तो आप बताइए सब बेकार है। गुरु जी अगर मैं राजा बन गया ना, मैं अगर राजा बना तो ये धरती पे जो आप हम खड़े ना ये फट जाएंगे। एक तो शरीर में लकवा मारा हो उसके ऊपर बिच्छू डंक मार दे और उपचार करते समय उसे शराब और पिला दी जाए तो क्या होगा गुरुदेव, क्या होगा? आप विचार करके तो देखिए, वो ही कर्म तो मेरे साथ हुआ है, मेरी माता ने किया है गुरुदेव, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी मां ने बिच्छू बनकर के डंक मारा है और आप मेरा उपचार कर रहे हैं लेकिन शराब पिलाकर उपचार करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है गुरुदेव, मैं ये नहीं कर पा सकता, नहीं कर पाऊंगा। भरत जी कहते हैं कि एक ही बात मोर मन माही, प्रात काल हम चले प्रभु पाही, एक ही बात अरे मेरे मन माही, प्रात काल हम चले प्रभु पाही, प्रात काल। गुरुजी मेरा मन कहता है मैं प्रातः में सुबह ही जा रहा और मैं भी ऐलान किए देता हूं सारे अवध वासियों को, परिवार को, जो चलना चाहता है वो तैयार हो जाए और जिसकी इच्छा ना हो वो अपने भवन अपने घर में रहे। क्यों? कि मैं अपने राम के स्वभाव को जानता हूं गुरुदेव, जितना मैं जानता हूं संसार में कोई नहीं जानता। कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, हे गुरुदेव मैं अपने राम के स्वभाव को जानता हूं, मुझे अपने भैया पर पूरा भरोसा है, मैं जब जाऊंगा ना तो आप पक्का मानना मेरे राम मुझे हृदय से लगा लेंगे, मेरा दिल कहता है गुरुदेव। कि आपन जान न त्यागहुं, आपन जान न त्यागहुं, मोहे रघुबीर भरो। मेरे भगवत प्रेमियों देखा कितना भरोसा है भगवत, इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों भरोसा करना सीखो। किस पर? प्रभु पर। भगवान उसी को मिले हैं जिसने भगवान पर भरोसा किया है। हम पहले भी बता चुके हैं, आज पुनः फिर आपको बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मानव दो चीज तो मैंने तेरे पास में धरोहर रखी है कि अगर भरोसे के योग्य विश्वास के योग्य कोई है तो संसार में कोई नहीं, केवल और केवल मैं परमात्मा ही विश्वास के और भरोसे के योग्य हूं। विश्वास के योग्य संसार नहीं, संसार तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के योग्य है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों संसार पर जो भरोसा करता है वो बहुत बड़ा मूर्ख माना जाता है।
संसार के हर प्राणी की सेवा करने का धर्म बताया है, उसे सेवा करो, लेकिन विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। और बोले तेरे अंदर जो दूसरी वस्तु मैंने रखी है उसका नाम है संतोष। जो मैंने दिया है ऐसा समझ करके उसी पे संतोष धारण करके मानव को अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और जो अपने मन को चलाए मान कर लेता है मेरे प्रिय बंधुओं, वो एक जन्म नहीं कहीं जन्म जन्म तक इसी प्रकार से तड़पता और भटकता रहता है जैसे बिना पंख के पक्षी। अभी उदाहरण है महाभारत का, मेरे भगवत प्रेमियों, द्रौपदी जी हरण। लोग कहते हैं प्रभु के यहां देर है अंधेर नहीं। अब आप बताइए क्या ये सही है? देखो इसमें आधा सही है और आधा गलत है, विचार करो। क्योंकि भगवान के यहां देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है मेरे भगवत प्रेमी, बसरते हमें उनके काबिल होना चाहिए, हमें अपने प्रभु पर भरोसा होना चाहिए। देर तो मेरे भगवत प्रेमियों हम और आप करते हैं, प्रभु देर नहीं करते। जैसे कौरवों के पासा सुकनी ने फेंकना शुरू किया, मंजूर किया, अगर उसी समय पर पांडव अपनी तरफ से भगवान श्री कृष्ण को स्वयं कहते प्रभु मुझे रख देते तो मैं देखता वो उल्टा सीधा कैसे पासा डालता। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं और फंस गए सगुनी के जाल में। हुआ क्या परिणाम? सब कुछ खो बैठे। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना सीखो। इस शरीर में जो पांडोसाइट लगता है नहीं बीमारी है, इस शरीर की मशीन है, बस यही भ्रम है हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये सब प्रभु कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। क्यों? कि बिना प्रभु की इच्छा के पत्ता तक नहीं हिल सकता मेरे भगवत प्रेमियों, पत्ता नहीं हिल सकता। संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और भरोसा रखना चाहिए भगवत प्रेमियों प्रभु के प्रति कि तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम पास हो जो मेरे किस चीज
किसी की परवाह भी नहीं है, तेरी दया से दासों, तेरी दया से दासों मालामाल हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर तेरा ये एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्ज मुझ पर सारे, तेरा कर्ज मुझ पर प्यारे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की दया से सब काम हो रहा है। हे मेरी भगवत प्रेमी, ये निश्चित मान लेना चाहिए कि बिना प्रभु कृपा के संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। कदापि मानव को अपने अहंकार में ये वाणी से शब्द नहीं निकालना चाहिए कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। ऐसा कहते तो हमारे प्रभु हम और आप से रूठ जाते। क्यों? कि मैं माया का आधिपत्य है, माया का नाम है और अहंकार की इसमें भू आती है, इसी से परमात्मा विरोध कर बैठते हैं। तो कदापि मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये भरोसा रखना है। क्यों? विचार करने योग्य बात है कि हरि बिन संकट कौन होगा। हम और आप पर जब कभी कोई संकट आता है और हम संसारी सब लोग हार जाते हैं तो महाराज एक केवल मात्र प्रभु ही तो रह जाते हैं, वो प्रभु ही हमारे संकट का निवारण कर सकते हैं, यही परम सत्य। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, वही उसी संदर्भ उसी कथा पर चलते हैं। आज भरत जी ने अयोध्या वासियों को, परिवार को, गुरुदेव वशिष्ठ जी को ये घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि मैं यहां एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा, मुझे जाना है। कहां जाना है वो बताते हैं महाराज। एक बड़ा सुंदर नगमा हमारे मन को परेशान कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे बन को जाना है, हर जी कह रहे कहा सारे ओदे पास नहीं रहना है कि मुझे बन को जाना है फिर लौट ना आना है। श्री राम
सर्वस्व लुटाना है, मुझे बन को जाना है, फिर लौट के नहीं आना है। राघव के चरणों में सर्वस्व लुटाना है, मुझे छोड़ गए भैया सब राजपाट छोड़ा, मैंने क्या अपराध किया जो मुझ से मुख को मुझसे मुख को मोड़ा। तुम सा त्यागी प्रेमी कोई नहीं होना है, श्री राम के चरणों में सर्वस्व लुटाना है, मुझे बन को जाना है और फिर लौटना आना है। प्रभु राम के चरणों में सर्वस्व लुटाना है। कहते हैं भरत जी कि मैं तेरे बिना भैया कैसे जी पाऊंगा, मैं कर कर याद तेरी आप ही मर जाऊंगा, आप ही मर जाऊंगा, अब बिन तेरे प्यारे मेरा कहां ठिकाना है। राघव के चरणों में सर्वस्व लुटाना है, अरे मुझे बन को जाना है, फिर लौटना आना है। श्री राम के चरणों में सर्वस्व लुटाना है। कहते हैं भरत जी कि अपराध करे कोई और भुगतता है कोई, कोई रात दिना रोवे, कोई देख देख सोवे, कोई देख देख सोवे। तुम अंतर्यामी हो ये मन मेरा माना है, श्री राम के चरणों में सर्वस्व लुटाना है, मुझे बन को जाना है, फिर लौटना आना है। प्रभु राम के चरणों में सर्वस्व लुटाना है, श्री राम के चरणों में
सर्वस्व लुटाना है। मेरी भगवत प्रेमी, हरि बिन संकट कौन निवारे, प्रभु के बिना हमारे और आपके संकटों का निवारण कोई नहीं कर सकता। यही आज भरत जी ने दर्शाया है अयोध्या वासियों को, गुरुदेव वशिष्ठ जी को, परिवार वासियों, जहां राम तहां अयोध्या है। मैं यहां रहकर के करूंगा क्या, मैं घोषणा करता हूं मैं तत्काल वन को जाता हूं, और वन में जाने के बाद मैं कहता हूं मैं वापिस नहीं आऊंगा। अगर राम वापिस आए तो मैं वन में रह करके 14 वर्ष व्यतीत करूंगा, और प्रभु राम अगर नहीं आए तो मैं भी वापिस नहीं आऊंगा। आज भरत जी ने बड़ी सुंदर घोषणा की। भरत जी कहते हैं, मेरे भगवत प्रेमियों, ये मर्यादा से भरी हुई राम कथा है, इसको एक बार हृदय के किपाट खोल करके, हृदय के किवाड़ खोल करके अगर भक्त श्रवण करे, मानव श्रवण करे, तो तय बात है कि अंतःकरण का जो भी हमारा मन बैठा है, जो गंदगी हमारे अंदर है, जो असुर बैठे हैं, वो तत्काल प्रभु राम की कृपा से सब नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। चारों भाइयों की लीलाएं मर्यादा से भरपूर है, और सोचने की बातें साधारण नहीं। प्रभु ने बोल दिया था, देवताओं अनशन सहित ले अवतार, अपनी इस कहानी के पात्र को स्वयं अपने ही अनुसार तार से बना करके प्रभु राम नर लीला कर रहे, जिसके माध्यम से और हम और आपको ये सब कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भरत कहते हैं, मेरा भैया, मैं जानता हूं अपने भाई को मेरा त्याग नहीं करेगा, ये मुझे भरोसा है। ये बात जब अयोध्या वासियों ने सुनी कि भरत राम से मिलने जा रहे हैं, तो मेरे भगवत प्रेमियों सारे खुशी के मारे रात भर नहीं सोए। और हां, जो व्रत थे ना, उनको मना किया गया तो उनको ऐसा लगा मेरे भगवत प्रेमियों जैसे किसी ने गले पर छुरी रख दी। आज महाराज भरत जी ने पवित्र रखवारे बनाए, रथ को तैयार किया, उस पर गुरु जी को, माताओं को, सबको बिठा करके भरत जी चल चल कि भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, मेरे भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, बन सिया राम समझ मन माही, बन सिया राम समझ मन माही, अनुज भरत पया दे जाई, संग राघव सयाने हो रामा राघव को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। चल पड़े महाराज। इधर निषाद राज ने देखा तो 3 प्रकार का भोजन लेकर के आए निषाद राज, राजसिक तामसिक और सत्वगुण, और दौड़कर आए महाराज, जाकर चरणों में गिर भरत ने उठाया, और शेर सब देख करके कह रहे हैं कि नीच को छुआ। एक कथा को सुनकर के बहुत सारे लोग कहते हैं, निषाद छोटी जाति का है ना, तो इस कथा को यहां आकर के बहुत सारे लोग ये विचार करते हैं कि नीच को छुआ प्रभु। अरे विचार करा, जिसको प्रभु ने गले से लगा लिया हो गया वो अछूता रह सकता है क्या? भरत जी ने निषाद से पूछा, भैया कहां सोए थे, वो स्थान बताओ ना।
निषाद ने सारा करके बताया, उबट वृक्ष को दिखा करके बताया, प्रभु राम इसके नीचे सोते थे। अब तो महाराज देख करके भरत जी बहुत रोए और रथ से कूद पड़े, बड़ा पछतावा करने लगे। मेरे भगवत प्रेमियों, बिहार में बक्सर में एक कर्मनाशा नदी है, बिहार में एक बक्सर है महाराज, देखा होगा आपने तो, वहां कर्मनाशा नदी है। वो कैसी है, उसमें पानी नहीं है, केवल बालू है, लेकिन बालू को थोड़ा खोदोगे तो पानी निकल आता है, ऐसा ले। और महाराज कर्मनाशा नदी के स्पर्श से, जल के स्पर्श से जो मानव के पुण्य होते ना, छूते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते। लेकिन यहां उपदेश के माध्यम से बता रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों, पर जिसको राम जी ने छू लिया होगा वो कभी अछूता रह सकता है क्या? पर जो मनुष्य शरीर पाकर के भगवान का भगत ना बना वो जरूर अछूत है, बेकार है। इसलिए राम का नाम तो अति पावन है। बड़ा रिसर्च करने के बाद चित्त पुरुषों ने निकाला कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा है राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा है राम का नाम। पहला उदाहरण था, उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टे ही नाम, वाल्मीकि जी ने सीधा भी नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे उल्टे की कृपा कैसी है प्रभु नाम की, राम की। उल्टे ही नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, अंत में अर निकला ये परिणाम, राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। मेरे भगवत प्रेमियों, दूसरा भाग, राम नाम गुण मंगलकारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। राम नाम गुण मंगलकारी, गौतम नार अहिल्या तारी। राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में कि निकला यही परिणाम, राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। मेरे भगवत प्रेमी, जो सत्ता शक्ति प्रभु राम स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन उनके नाम की ताकत, उनके नाम का बल ऐसा होता है मेरे भगवत प्रेमियों, उस नाम के माध्यम से ही पूरे संसार का साधन बना पड़ा है। राम कहने से भैया उतर जाएगा, कि राम कहने
से भैया तू तर जाएगा, पार भव से तू प्यारे उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, अरे ये जग कहेगा कहानी तेरी। काम ऐसा जो नर कर जाएगा, काम ऐसा जो नर कर जाएगा। राम कहने से भैया तू तर जाएगा, उनकी करुणा से तुझको ये नरतन मिला, उनकी कृपा से तुमको ये नरतन मिला। क्या पता फिर न जाने किधर जाएगा, क्या पता फिर न जाने किधर जाएगा। राम कहने से भैया तू तर जाएगा, जिसके आगे न झोली को फैलाएगा। प्रभु के आगे तू झोली जो फैलाएगा, दाता झोली को तेरी वो भर जाएगा, दाता झोली तुम्हारी वो भर जाएगा। और राम कहने से प्राणी तू तर जाएगा, होगी भक्ति की घर घर में चर्चा तेरी, हर गली में ये होगी यह चर्चा तेरी। होगी भक्ति की घर घर में चर्चा तेरी, अरे जिस गली में तू होकर गुजर जाएगा, जिस गली से तू होकर गुजर जाएगा। राम कहने से भैया तू तर जाएगा। तुम मेरे भगवत प्रेमी, राम का नाम संसार से भव सागर से पार करने का एक साधन, एक नैया है, तारने की एक नैया है। तो क्यों ना हम और आप ऐसी नैया में बैठकर के अपने जीवन का आनंद रस पा, सावधान ध्यान रहे। कदापि संसार के सारे कार्य चाहे रह जाए, लेकिन प्रभु का नाम रहने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यही मानव धर्म, जो भगवान का है उसका काम पूरा होगा। इतने बात आज महाराज सबने कथा पाएंगे श्रृंगेरपुर विश्राम का। भरत जी के साथ जो मंडल चल रहा है वह सबने श्रृंगेरपुर में विश्राम किया और सबको गंगा पार किया। आज भरत जी रथ से उतर करके पैदल चलने लगे। अभी तक तो रथ पे थे, अब पैदल क्यों चलने लगे? क्यों कि राम जी भी यहां से पैदल गए थे, ये पता कर लिया था भरत जी। और कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अब मोरा। भरत जी कहते हैं भैया के लखन के और जानकी जी के पद चिन्ह बने, उन्हीं को देखते देखते भरत जी पैदल चल रहे, उन पद चिन्हों को प्रणाम करते जा रहे हैं, साष्टांग करते जा रहे हैं। महाराज तीसरे के दिन के तीसरे पहर तीर्थराज प्रयागराज में पहुंचे। अम्मा ने देखा कि भरत के पैदल चलते चलते छाले पड़ गए। जैसे महाराज ओस की बूंद दिखती है ना, ऐसा दिख रहा है। भरत कहते हैं मैंने न जाने कौन से पाप किए हैं, बिना रघुवीर के दिल का घाव मैं किसको बताऊं, अपने मन की बात किसको कहूं, अपने दिल के घाव को किसको बताऊं। फिर आगे जाकर के त्रिवेणी में पहुंचे हैं महाराज। त्रिवेणी में सबने स्नान किया,
दान पुण्य भी किया, पर भरत जी एकांत में बैठे मां जीव पर कब दुखाता है ये पूछते। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जब कोई कुकुर्म कर बैठता है ना, तो मेरे घर में लेने की नहीं लुटाने की प्रथा है। ऐसा कहता है, आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं हे गंगा मां, भरत जी कहते आपसे मैं भीख मांग रहा हूं, लेकिन जो मुझे नहीं चाहिए वो सुनो, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मेरी मां ने ले लिया ना, तो अर्थ लेने से क्या मिला, अनर्थ हो गया, और मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ फोड़ कर दिया, और हे मां मुझे काम भी नहीं चाहिए, काम ने मुझे राजा बनाना शुरू किया, और हे माता मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सगुण उपासक हूं, इसलिए मां मुझे चाहिए कि जन्म जन्म राम के प्रति प्रेम चाहता, पर मेरे भैया को इस सब बात का पता नहीं लगना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, ये अंदर अपने अंदर की जो बात है वो भरत जी त्रिवेणी में एकांत में कह रहे हैं, और कहते हैं कि मैं राम जी से इतना प्रेम करता हूं, बस इतना आशीर्वाद दो कि माता इस चीज का पता मेरे राम को नहीं चलना चाहिए, और ऐसी कृपा कर दो कि प्रभु राम मुझे हमेशा कुटिल माने, क्यों कि सोना अग्नि में तप करके ही चमक लेता है, मेरे बंधन में सोना अग्नि में तप करके ही चमक देता है, भगवत प्रेमी में या लिखते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे अज दिन बढ़े अनुग्रह मोतोरे तात भरत तुम सब विद साधु राम चरण अनुराग जगालो राम चरण अनुराग यवालो सीता राम 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 सीता राम राम राम। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज त्रिवेणी कहती है, त्रिवेणी नदी, भरत तुम तन मन वचन से एकदम साधु हो। आज वहां से भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं महाराज, सिर झुका करके बैठ गए, संकोच से भरद्वाज जी ने कहा, भरत तात के कई दोष नहीं अर गई गिरा मत ठो। भरत आप मां को लेकर के गिलानी मत करिएगा, क्यों कि आपने सत्ता को ठुकरा करके बहुत अच्छा किया, यह आपका कर्म मुझको बहुत अच्छा लगा, ये भरद्वाज जी कह रहे हैं। हम मुनि लोग आपसे ही सीख रहे हैं कि राम जी को प्रेम भरत जैसा करना चाहिए, प्रभु से प्रेम भरत जैसा करना चाहिए। मेरे भगवत प्रेम आपस में बड़ा प्रेम है,
भरत ने पूछा मुनिवर, भैया मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा बताएंगे? भरद्वाज जी कहते हैं मुस्कुरा करके कि हाँ, एक बार प्रयाग में स्नान कर रहे थे तो राम जी ने त्रिवेणी के जल को लेकर के कहा कि हे त्रिवेणी माँ, जैसे तेरे जल का रंग है इसी रंग का मेरा एक भाई है, लेकिन मैं कैसा भागा हूं कि आते समय में भाई से मिल नहीं पाया, इसलिए मैं संकल्प कर रहा था जैसे ही संकल्प में मंत्र में भरतखंड नाम आया, क्योंकि संकल्प जल छोड़ने में महाराज आता है, भारतवर्षे भरतखंडे, तो भरतखंड नाम आया तो याद आया प्रभु राम को मेरे भाई का नाम भरत है। मैं उसी समय समझ गया था भरत कि राम आपसे कितना प्यार करता है। अब महाराज भक्तों की पहचान कैसे होती है, तो यहां एक प्रसंग है। एक बार नारद जी से पूछा कि प्रभु का प्रथम भक्त, पहला भक्त कौन है? तो नारद जी बोले, मैं ही तो हूं सबसे पहला भक्त, वही भरत जी भी कहा गया। नारद जी अपने भगवान के पास पहुंचे और जाकर के भगवान के पास में मेरे भगवत प्रेमी दो डायरियां होती हैं, एक भक्त की डायरी होती है और दूसरी हृदय रूपी डायरी जिसमें निज नाम डाले जाते हैं। तो नारद जी को जब ऐसा कहा गया कि आपसे अच्छे तो श्रोमणी तो भरत जी हैं, तो नारद जी भगवान के पास गए और जाकर के बोले, प्रभु। हाँ नारद, कैसे आए? बोले, ऐसा सुना है कि भक्तों की आप डायरी रखते हैं। बोले हाँ हाँ, तो वो देखो ना, दिखाओ ना उसे। अब तो महाराज भगवान ने कह दिया कि वो रखी बड़े वाली डायरी, देख लो उसमें भक्तों की लिस्ट है। तो महाराज बोले देख करके, आओ नारद जी गए, उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु वो भगत वाली डायरी दो। प्रभु ने दे दी। अब देखा तो नारद का नाम पहले पन्ने पर लिखा था। अब महाराज बड़े खुशी खुशी आए, पूछा गया तो बताया, मेरा ही तो सबसे पहले नाम है ना, मैं देख गया हूं डायरी में। ब्रह्मा जी बोले, आप बड़ी डायरी देखे हो ना? बोले हाँ। अरे तुमको छोटी डायरी देखनी थी, छोटी डायरी देखते तो प्रभु के वो तो अलग पास में रहती है छोटी वाली डायरी। नारद फिर गए और महाराज छोटी डायरी को मांगा, प्रभु ने दे दिया। अब देखा तो सबसे ऊपर भक्तों में भरत का नाम लिखा था। अब तो नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, नारद तो बताया, नारद जो प्रभु का नाम लेता है ना उसे बड़ी डायरी में लिखा जाता है, और जिसका नाम स्वयं प्रभु लेते हैं वो छुटका डायरी में लिखा जाता है। अब तो प्रभु दिन रात भरत भरत नाम का जाप करते हैं ऐसा लिखा है, और ये इंद्र से भी कहा गया। बाबा लिखते हैं कि भरत सरेस को राम सने जग जप राम राम जप दे। राम चित्रकूट पर बैठकर के भरत भरत जपते हैं महाराज, ये है भगत। आज जब भरत शत्रुघ्न जा रहे हैं तो बच्चों ने देखा, घर जाकर के बताया, चलो देखो भागो, फिर से वो दोनों आ गए, पहले जो आए थे वो फिर आ गए। अब महाराज सब बाहर निकल कर आए, एक बोला लग तो रहे हैं ऐसे पर वो नहीं है, तीसरा बोला शकल तो एक ऐसी है, एक ऐसी मिलती पर स्वभाव अलग है। अब चौथा बोला अरे वो नहीं है, वो तो हंसते हंसते आए थे, विचार करके तो देखिए ये तो रोते रोते जा रहे हैं। पांचवा बोला मैं बताऊं,
ये उनके छोटे भाई हैं। वो घर छोड़कर चले आए ना, तो ये उनको मनाने के लिए आए हैं मेरे हिसाब से। सब बोले चलो इनके साथ, हमको भी दोबारा दर्शन का लाभ होगा, चलते हैं और हमें भी लाभ मिल जाएगा। अब महाराज साहब भरत जी के साथ चल दिए। भरत ने भी रोका नहीं, क्यों कि देखो मेरे भगवत प्रेमियों, साधु वो है जो सबको साथ में लेकर के चले जाए। आज चलते चलते तट पर पहुंचे, उधर जानकी जी ने स्वप्न देखा कि मां कौशल्या की मांग में सिंदूर नहीं है। राम बोले ये अच्छा नहीं स्वप्न है, भगवान बैठे हैं। देखा कि उत्तर दिशा से आकाश मार्ग में धूल उड़ रही है, दूसरे तो रहा है वातावरण। तो राम जी खड़े होकर के आसन से और आश्रम की ओर दौड़े। किसी ने बताया कि भरत नाम का कोई आ रहा है। सुनकर राम जी को बड़ा खुश मन हुआ और फिर एकदम बेचैन हो गए। सोचते हैं प्रभु कि कारण कवन भरत आगवनु। मेरे भगवत प्रेमी है, राम जी सोचते हैं आने दो भरत का, भरत वो ही करेगा जो मैं कहूंगा, मेरा भरत साधु है। भरत कहे मुए साधु समान, मन अगर बस में है मेरे भगवत प्रेमियों तो समझो सब कुछ बस में है, और मन भी मुक्त तो ये सब संसार भी मुक्त। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, मन को हमेशा अपने काबू में ही रखना चाहिए। वो ही हुआ है इधर और वो ही हुआ है लखन के साथ। आज लखन ने सुना, सुनते ही धनुष बाण उठाए और धनुष बाण उठाए तो बोला कि मार दूंगा, तुरंत मार दूंगा। राम जी बोले क्या बड़बड़ा रहे हो, किसे मार दोगे, क्या करोगे? बोले नहीं, ये आ रहा है लड़ने के लिए। कौन आ रहा है लड़ने के लिए, मैं समझ नहीं पा रहे हूं। राम जी ने समझा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जिसके मन के अंदर में संदेह पैदा हो जाता है वो प्रेमी में भी संदेह देखता है, और वही संदेह हमारे आपके मनों को बिखेर देता है, और बिखेरने के बाद हमारे आपके अंदर मन में अपने आप शत्रु पैदा हो जाता है। इसलिए हम आपको ऐसा करना उचित नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। तो आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। राम और भरत का जो मिलन है वो अगले सत्र में पूरा करेंगे। इसी के साथ में आज के आनंद प्रसंग को यहीं विराम देकर के प्रभु राम चरित्र को साधन बनाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए होले शंकर भगवान की जय, संत भक्तन की जय, जय जय श्री राधे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्तिः शान्तिः।